वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूज, उसके करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। आपको रीजन बताने हैं क्या कारण है। किंग टट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। अब स्क्रूटनी का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। स्क्रूटनी का मतलब होता है जब किसी चीज की बार बार जांच होती है, बार बार एग्जामिनेशन, बार बार उसका परीक्षण करवाया जाता है। तो ये पूछ रहे हैं, जो किंग टट की जो बॉडी थी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, ये है जो मम्मी बनाया गया था, इनकी बॉडी का बार बार टेस्ट, बार बार परीक्षण, बार बार स्क्रूटनी क्यों कराई गई। द मम्मी ऑफ द किंग टट वॉज वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड बिकॉज ही वॉज बरीड विद लॉट्स ऑफ गोल्ड एंड ट्रेजर। जो मम्मी थी किंग की, राजा टट की जो मम्मी थी, वो बहुत ज्यादा फेमस थी पूरे संसार भर में, क्योंकि जब उसे बरी किया गया था, दबाया गया था जमीन के अंदर, उसे बहुत सारे सोने के साथ, सोना गोल्ड के साथ, और ट्रेजर का मतलब होता है खजाने के साथ बरी किया गया था। पीपल वर ऑल्सो क्यूरियस अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ एंड वॉट वॉज हिज एज वेन ही डाइड। लोगों को ये जानने के लिए भी लोग उत्सुक थे कि भाई उसकी जो डेथ हुई थी वो किस तरह से मरा था और उसकी एज क्या थी जिस टाइम वो मरा था। हैंस, अब हैंस के बाद देखो, यहाँ हैंस लिखने के बाद पूरा का पूरा आप यहां से उतार दोगे। हैंस, किंग टट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। यही रीजन था कि बार बार किंग टट की जो बॉडी है उसका बार बार परीक्षण करवाया जा रहा था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें यह ध्यान रखना है, गिव रीजन ही है। दूसरा क्वेश्चन है, हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड। अब सबसे पहले रिसेंटेड का मतलब समझ लो। रिसेंटेड का मतलब है गेट एंग्री। जो हार्वर्ड कार्टर थे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी थी पहले किसकी, इसकी किंग टट की मम्मी की। ये है हार्वर्ड कार्टर, ठीक है। तो इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करी, इनकी इन्वेस्टिगेशन से सब लोग गुस्सा क्यों थे, रिसेंट क्यों थे, क्या इन्होंने ऐसी गलतियां की, तो उसका रीजन बताना है हमें। हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड, यहां से हमने पूरा क्वेश्चन के अंदर से उठाया, बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड्स। क्योंकि भाई आप इतने बड़े साइंटिस्ट हो, आप इतने बड़ी मम्मी को जो वर्ल्ड वाइड फेमस है उसे आप ऑब्जर्व करने जा रहे हो, फिर भी आप अनसाइंटिफिक वेज यूज कर रहे हो। भाई आपको साइंटिफिक तरीका अपनाना चाहिए, एंड इलीगल वेज, और उन्होंने जो वेज, जो तरीके अपनाए वो इलीगल थे। ही वॉज फोकसिंग मोर ऑन ट्रेजर एंड लेस ऑन कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स। जो हार्वर्ड कार्टर था वो ज्यादा किस पे ध्यान दे रहा था कि भैया खजाना मिल जाए, सोना मिल जाए, उस चीज पे ज्यादा ध्यान था, रेदर देन जो कल्चरल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है उन पे उसका कम ध्यान दे रहा था। तो इसी वजह से ये जो हार्वर्ड कार्टर है, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, इस वजह से सब लोग रिसेंट कर रहे थे, मतलब गुस्सा कर रहे थे। थर्ड, कार्टर हैड टू चीजल अवे द सॉलिफाइड रेजिन टू रेज द किंग्स रिमेन्स। अब यहां देखो, ये है कार्टर और ये है किंग की मम्मी। अब ये कह रहा है कि कार्टर को चीजल का यूज करना पड़ा। चीजल क्या होता है, आपके सामने ये मैंने डायग्राम इधर बनाया हुआ है। चीजल होता है ये वाला डिवाइस, जिसका आगे वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये बहुत ज्यादा शार्प होता है, नुकीला होता है, किसी चीज को खरोचने के काम आता है। तो क्योंकि ये जो मम्मी है ये बहुत अच्छे से चिपक गई थी किसके अंदर, इस कॉफिन के अंदर, बाहर ही नहीं आ रही थी, तो इस वजह से इन्हें ये यूज करना पड़ा। अब हम इसका रीजन देखेंगे। When Carter was investigating the Tut's mummy, he found out that Tut's body was glued to the bottom of his coffin. Coffin का मतलब है वो ताबूत। उसने देखा कि जो Carter की जो body है वो glue। ये देखो, ये है ये है King Tut की body और ये इससे पूरी तरह से चिपक गई थी नीचे से। इसका जो base है वो पूरी तरह से चिपक गया था, बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी वो बाहर नहीं आ रहा था। Even after keeping the mummy in sun rays, the glue did not melt. तो भैया ये जो कार्टर है, इन्हें लगा चलो यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, थोड़ी देर के लिए धूप में रखवा देते हैं तो ये पिघल जाएगा और जिससे बॉडी बाहर आ जाएगी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। सो कार्टर हैड टू चीजल अवे द सॉलिफाइड रेजिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स। इसीलिए कार्टर को लास्ट में हार के किसका यूज करना पड़ा, इस चीजल का यूज करना पड़ा, मतलब नीचे से खुरच खुरच के उसे बॉडी को निकालना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विद गाइडेड ट्रेजर। जो किंग टट की जो बॉडी थी, जब उसे बरी किया गया, मम्मी बनाया गया, तो उसके साथ बहुत सारा
धन संपत्ति क्यों दबाई गई, क्यों खजाना, ये सारा जो खजाना है, ये जो दिख रहा है आपको सोने की चीजें, ये सारी चीजें उसकी बॉडी के साथ, ये देखो खाने पीने की चीजें भी रखी गई, गोल्ड की चीजें भी रखी गई, इतनी तरह की चीजें क्यों उसकी बॉडी के साथ दबाई गई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चिल्ड्रन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। टट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विद गाइडेड ट्रेजर, तो आंसर देख लीजिए, द बॉडी ऑफ एंशियंट इजिप्ट, सॉरी द पीपल ऑफ एंशियंट इजिप्ट बिलीव इन लाइफ आफ्टर दैट, जो इजिप्ट के जो लोग थे पुराने, वो ये मानते थे कि मरने के बाद भी एक और लाइफ होती है। देयर किंग्स वर एक्सट्रीमली रिच, और इनके जो राजा महाराजा थे वो बहुत अमीर थे। सो टट्स बॉडी वॉज बरीड विद गाइडेड ट्रेजर, इसीलिए उसकी जब बॉडी को ममीफाई किया गया, जब बरी किया गया, तो उसके साथ बहुत सारा सोना चांदी खाने पीने की चीजें कपड़े वगैरह रख दिए गए, क्योंकि उन्हें लगता था मरने के बाद भी एक और लाइफ होती है और उसमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज वर ऑल्सो बरीड विद द किंग, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हो, मैंने डाला हुआ है इंग्लिश बाबा चैनल पे, तो मैंने उसमें हर चीज एक्सप्लेन की हुई है, तो प्लीज पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम तूतन खातेन टू तूतन खामून, जो टट था, राजा टट था, उसका शुरुआत में नाम था तूतन खातेन, ठीक है, लास्ट में ए टी ई एन था, लेकिन उसने वो बदल के तूतन खामून क्यों कर लिया। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने से पहले ये बताऊंगा कि आमून का मतलब क्या है। आमून का मतलब है इजिप्शियन गॉड, मतलब जो इजिप्ट में एक भगवान होते थे, उनकी एक मतलब एक फेथ था, जैसे हमें फेथ है भगवान शंकर में, भगवान अपने अपने भगवानों में, ऐसे ही इनका फेथ था भगवान आमून में। तो चिल्ड्रन अगर आप चाहते हो मेरे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते रहे, तो इंग्लिश बाबा 123 टेलीग्राम आईडी है मेरी, आज ही जाके सब्सक्राइब कर लो, मेरे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे आते रहेंगे। तूतन खातेन वॉज फर्म बिलीवर ऑफ गॉड आमून, अभी जो मैंने भगवान आपको दिखाए ये वाले गॉड आमून, इनका वो फर्म बिलीवर था, इसमें उन्हें खास विश्वास था। सो जस्ट टू एक्सप्रेस हिज फेथ इन आमून गॉड, अपना फेथ दिखाने के लिए, अपना भरोसा दिखाने के लिए भगवान में, ही चेंज हिज नेम फ्रॉम तूतन खातेन से तूतन खामून, उसने अपना नाम कर लिया। क्वेश्चन नंबर टू आता है अब हमारा, लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अख्नातन एज वैकी, वैकी का मतलब समझो क्रेजी, मतलब पागल। ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से जो रे जॉनसन है उन्होंने अख्नातन को वैकी कहा, उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा एक नंबर का पागल निकला भैया। क्यों? अख्नातन वॉज द फर्म बिलीवर ऑफ गॉड एटन, जिसका मतलब है सन डिस्क। जो अख्नातन है वो भगवान एटन को मानने वाला था, मतलब वो जिसका मतलब होता है सन, ठीक है, सन की डिस्को बने। ही स्मैश द इमेजेस ऑफ आमून अ मेजर गॉड, तो इसलिए क्योंकि जो इजिप्शियन लोग थे वो दूसरे गॉड को भी मानते थे, भगवान आमून को मानते थे, तो उसने क्या किया, आमून के जितने भी मंदिर थे, जितने भी उनकी मूर्तियां थी, वो सब उसने तोड़वाना शुरू कर दिया और काफी सारे मंदिर तोड़वा दिए। दीज डीड्स लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अख्नातन एज वैकी, और क्योंकि उसने इतना घिनौना काम किया कि चलो ठीक है यार आपको अपने भगवान में विश्वास है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे भगवान या दूसरों की आप आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे, तो इसी वजह से रे जॉनसन उसे क्या कह रहे हैं, वैकी कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ सीटी स्कैन, अगर आपने पढ़ा होगा, पहले तो मैं आपको सीटी स्कैन समझा दूं, ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं सीटी स्कैन, इसमें पूरी बॉडी की बॉडी आपकी अंदर चली जाती है और पूरी बॉडी का एक्सरे एक बार में हो जाता है। तो क्वेश्चन है, जब तूत जो किंग टट की बॉडी को यानी कि मम्मी को जब इसमें डाला गया सीटी स्कैन में, तो क्या रिजल्ट सामने आए, देखेंगे हम आंसर। द रिजल्ट ऑफ द सीटी स्कैन वर क्वाइट एनकरेजिंग, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन वर क्रिएटेड, 1700 इमेजेस एक्सरे एक बार में क्रिएट किए गए, अ ग्रे हेड अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, नेक वर्टिब्रे भी बिल्कुल क्लियर था, द इमेजेस ऑफ हैंड रिब केज एंड स्कल्स वर इक्वली ब्राइट, दीज रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग विद टट्स बॉडी, यानी कि जब इतने सारे एक्सरे इमेजेस आए सीटी स्कैन के थ्रू, तो एक बात क्लियर हो गई कि इतने साल बाद भी बॉडी का कुछ भी खास नुकसान नहीं हुआ था, और ये सारी इमेजेस जो आपको यहां मैं दिखा रहा हूं ये सब उन्होंने एक्सरे में देखी। नेक्स्ट, List the advances in technology that have improved the forensic analysis. आपने देखा होगा आज की डेट में जो हमारा मेडिकल साइंस है वो बहुत डेवलप हो गया, तो वो बता रहा कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी बताओ जिससे हमारा फॉरेंसिक जो एनालिसिस है वो इम्प्रूव हुआ है, तो वो क्या क्या है, जैसे एक्सरे है ना, बॉडी के अंदर देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड है,
सीटी स्कैन जिसके बारे में बताया, पोस्टमार्टम आपने देखा होगा जब बॉडी मतलब आदमी के मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम ऑटोप्सी है, बायोप्सी है, तो ये सारी चीजें हैं जिससे फॉरेंसिक एनालिसिस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैंड इन डेथ एज इन लाइफ। आपको इस बात का पुष्टि करनी है, जो किंग टट थे अपने जीवन में भी सबसे ज्यादा फेमस थे जब वो जिंदा थे, और जब वो मरे तब भी सबसे ज्यादा फेमस थे, उनकी ही मम्मी को सबसे पहले स्कैन क्यों किया गया। किंग टट्स मम्मी वाज द फर्स्ट वन टू बी एक्सरेड बाय अ सीटी स्कैन मशीन अमंग ऑल द मम्मीज। ये जो लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जिनका काम होता है मम्मीज वगैरह को ढूंढना, जब इन्हें बहुत सारी मम्मीज मिली तो सबसे पहले इन्होंने सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन की किंग टट की मम्मी का, ठीक है, और सबसे पहले जो सीटी स्कैन हुआ वो भी किंग टट की मम्मी का हुआ। व्हेन ही वाज अलाइव ही वाज अहेड ऑफ हिज प्रेडेसेसर, जब वो जिंदा था तब भी वो अपने पूर्वजों से आगे था। दस इन डेथ एज वेल एज इन लाइफ टट मूव्ड रियली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। इसी बात के हिसाब से हम कह सकते हैं, जब वो आदमी जिंदा था तब भी अपने लोगों से आगे था और मरने के बाद भी वो आगे है। तो यहाँ पे हो जाते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म। लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, हु वाज तूतनखामून, जो किंग टट था वो कौन था। आपके ऑप्शन है ए बी सी या डी। सो आई होप ये जो मेरी एक्सप्लेनेशन है आपको अच्छी लगी होगी। मेरे हिसाब से इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।